तो भाई आज की इस वीडियो पे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं यामा की FGS वर्जन 4 को वर्जन 3 से, मतलब कि वर्जन 3 को वर्जन 4 से कंपेयर करने वाले हैं और कंपेयर करके आप लोग को बताने वाले हैं कि इन दोनों बाइक में जो है आप लोग को क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलते हैं, लाइक फीचर्स में, प्राइसिंग में और यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर जो आप लोग को डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उसी के बारे में आज की इस वीडियो पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो ये जो अपना FG वर्जन 3 है आप लोग देख सकते हैं इसका जो प्राइस है दोस्तों वो आप लोग को 1,44,000 पड़ेगा और इसका अगर मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो 1,57,000 रुपये देखने को मिलेगा, जो कि भाई मैं आप लोग को ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बता रहा हूँ। कहाँ पे भाई, मैं इसमें हूँ शाह मोटर्स पे जो कि अपना गोड्डा झारखंड पे शोरूम पड़ता है। तो अगर आप लोग को ये FGS लेनी हो, FGS वर्जन 4 लेनी हो या फिर यामाहा की कोई सी भी गाड़ी लेनी हो तो आप लोग दोस्तों शोरूम पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने जो है शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट वगैरह वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग डिफ्रेंसेज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो डिफ्रेंस है वो आप लोग को लुक्स में देखने को मिल ही रहा होगा, जो कि गाइज आप लोग को फ्रंट के लुक्स पे देखने को मिलेगा, जो कि इस पर जो है गाइज आप लोग को कुछ इस प्रकार का आप लोग को हेडलैम्प का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। और अगर मैं आप लोग को इसका हेडलैम्प दिखाऊं तो आप लोग को कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग को इसका हेडलैम्प का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आ रहा है या फिर आप लोग को इसका हेडलैम्प का डिज़ाइन पसंद आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेगा। सेकंड यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को डिफ्रेंसेस के बारे में बताऊँ तो वो है इंडिकेटर्स पे, जो कि इस पर दोस्तों आप लोग को प्रीमियम LED का इंडिकेटर देखने को मिल रहा है और इस पर दोस्तों आप लोग को नॉर्मल हेलोजन बल्ब वाला ही देखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। इसके अलावा मैं आप लोग को डिफरेंस के बारे में बताऊं तो ये दोस्तों आप लोग को मीटर पे देखने को मिलेगा, जो कि इस पर दोस्तों आप लोग को सेम जो है यामाहा की जो MT-15 आती है दोस्तों वर्जन 2 उस पर जो आप लोग को मीटर देखने को मिलता है सेम वही मीटर आप लोग को इस वर्जन 4 पे देखने को मिलता है और इस पर दोस्तों आप लोग को वही पहले पुराना वाला जो छोटा सा मीटर आता था वही देखने को मिलता है। बाकी इस पर आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को डिफ्रेंसेस के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर जो है रेयर पर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि इसका आप लोग टेल लैम्प वगैरह को देख सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन है। और इसका अगर आप लोग टेल लैम्प का डिज़ाइन देखें जो कि भाई इसका जो टेल लैम्प का डिज़ाइन है वो आप लोग को MT-15 वर्जन 2 के तरह ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग बताएं कि रेयर से जो है आप लोग को किसका लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है। बाकी इंडिकेटर्स वही आप लोग को इस पर जो है हेलोजन वाले और इस पर आप लोग को LED वाले देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस मैं आप लोग को एक सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊँ फीचर्स के बारे में तो वो है गाइस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का, जो कि आप लोग को ये जो वर्जन 4 है इस पर आप लोग को जो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिससे कि जो रेयर की व्हील है दोस्तों वो ज़्यादा मतलब कि स्कीड वगैरह नहीं करती है रेत में या फिर ज़्यादा स्लिपरी जगह हो तो वहाँ पर जो है ये व्हील ज़्यादा स्लिप नहीं करता है। और इस पर दोस्तों आप लोग को वैसा कुछ फीचर्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है, इस पर आप लोग को नॉर्मली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल इतने सारे डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा जो है दोनों ही गाड़ियों पे सभी चीज़ें आप लोग को एग्जैक्ट सेम ही देखने को मिलेंगे, लाइक आप लोग को इंजन भी सेम मिलेगा, फ्यूल टैंक भी सेम देखने को मिलेगा और जो टायर जो ब्रेक वगैरह है वो भी आप लोग को एग्जैक्ट सेम ही देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को इस गाड़ी के थोड़े बहुत मैं आप लोग को यहाँ पर जो है फीचर्स वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों गाड़ी पर जो आप लोग को डुअल डिस्प्ले के साथ जो है सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। बाकी गाड़ी पर दोस्तों आप लोग को LED का हेडलैम्प देखने को मिलेगा और जैसा कि मैंने आप लोग को टेल लैम्प वगैरह के बारे में तो बता दिया। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन के बारे में बताता हूँ। तो गाड़ी पर दोस्तों आप लोग को जो है 149 cc का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि गाड़ी पर दोस्तों आप लोग को 12.2 bhp तक की पावर देखने को मिलेगी और 13.3 nm तक का आप लोग को दोनों ही गाड़ियों पर जो है टॉर्क देखने को मिल जाएगा। और इन दोनों गाड़ियों पे दोस्तों आप लोग को इंजन तो सेम ही मिलता है बट आप लोग को इस गाड़ी पर जो है BS6 Phase 2 वाला इंजन देखने को मिलता है, जिस पर कि दोस्तों आप लोग E20 मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं E20 यानी कि 20% जो एथेनॉल वाला फ्यूल होता है उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी पर दोस्तों आप लोग को वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ये अपना नॉर्मल BS6 वाला इंजन है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को इस गाड़ी पर जो है आप लोग को OBD2 सेंसर वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो इंजन में दोस्तों आप लोग को एक ये भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल यही सारे डिफरेंसेस थे जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी आप लोग बताएं दोस्तों कि आप लोग को जो है ये यामाहा की FGS वर्जन 4 ज़्यादा पसंद आई या फिर FGS वर्जन 3 आप लोग को ज़्यादा पसंद आई, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को ये गाड़ी पसंद आई है, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।